दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे, अगर आपके कीबोर्ड में आपका हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आ चुका है, आपके सामने टाइप करने के लिए आपको कोई भी वर्ड देखने को नहीं मिलते हैं, आप यहां पर आप देखेंगे हैंड राइटिंग यानी कि अपने हाथ से आप यहां पर इस तरीके से टाइप करेंगे तभी आपका यहां पर टाइप होगा और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहां पर लिख पाएंगे। तो अगर आप अपने हैंड राइटिंग प्रॉब्लम को अपने कीबोर्ड के अंदर फिक्स करना चाहते हैं, इसे आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, हम यहां पर अपना कीबोर्ड ओपन करेंगे टाइपिंग करने के लिए, तो यहां पर आप देखेंगे हमारा कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है, या आप कहीं और पर ओपन करते हैं जैसे फेसबुक में, या आप अपने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी अपना कीबोर्ड ओपन करते हैं और आपके सामने हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आ जाता है, आपके सामने लिख कर आ जाता है हैंड राइटिंग हेयर, यानी कि अपने हैंड राइटिंग से ही आप यहां पर टाइपिंग कर पाएंगे। अगर अपना नेम लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर लिखना पड़ेगा तभी आपका यहां पर नेम लिख पाएगा। तो आप यहां पर अपने इस प्रॉब्लम को कैसे हटाएंगे, कैसे आप सॉल्व करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर करना क्या है, यहीं पर आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा एक सेटिंग का आइकन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज में आपका हैंड राइटिंग सेट है तो आपको इसमें यहाँ पर चेंज करना होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश यूके, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये है हैंड राइटिंग, तो आपका यहाँ पर हैंड राइटिंग गलती से सेलेक्ट हो चुका है या आपने कर दिया होगा। तो आपको यहाँ से अपना करना क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपको ये है टाइपिंग वर्ड, आप इसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप इसे यहां पर सेलेक्ट करेंगे और यहां से आपको हैंड राइटिंग को हटा देना है, तो हम यहां से हैंड राइटिंग को हटा देंगे और इस लंग आपका ये कीबोर्ड आ जाएगा और इसे भी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहां पर इसे सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे मिल जाएगा आपको डन, आप डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपके दो लैंग्वेज ऐड हो चुके हैं इंग्लिश के, अब यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद अपने कीबोर्ड को आप ओपन करेंगे, तो अब यहां पर आप देखेंगे आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। अब यहां पर आप यहाँ पर टाइपिंग कीबोर्ड ओपन हो चुका है, अब यहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कीबोर्ड के अंदर हैंड राइटिंग हेयर प्रॉब्लम को हटा सकते हैं और अपना टाइपिंग आप कीबोर्ड इनेबल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।